आज मैं आ गई हूँ अपनी मॉम के किचन में. क्यों? क्योंकि आज स्पेशल डे और मम्मा स्पेशली, मम्मा ने चाउमीन बनाई है और मोमो भी पैक हो रहे हैं. आई विल शो यू क्यों. पैक करी चाउमीन स्पेशल लोगों के लिए. चिकन ट्राई करूँ. ये पैसे मांगे जा रहे हैं मुझसे अपने घर की खेती से. कौन पैसे मांगता है? वो नहीं तो देना सब ना दे. भाई साहब 5 रुपए चल जाएगा फिर. बोनी 10 रुपए दे रहे दे पर. खुले नहीं है हमारे पास, छुट्टे नहीं है हमारे पास. भरे साहब भी बोलेंगे ना, बात नहीं दूंगा. नहीं चलता, नहीं चल गए साहब. ओ भाई अपनी दुकान में पैसे देके खाना पड़ रहा है, देख लो भाई. अरे वो नहीं करना है कि अपनी दुकान में पैसा, अपनी दुकान में पैसा. चलो ठीक है वो नहीं करके जाऊंगी. आज तेरे वो नहीं देखते ना कैसा होता. पहले घर घर में ना हमारे घर में ना माँ ना एक पानी वाला नहीं आता था. वो कहता था कि मैं जैसे पैसे देती तो मानता नहीं था लेने के लिए. क्यों? ये बोलते तेरे से लेना, आपका बेटी ऐसे लेना है, मुझे आज मत देना कल उससे लेना है. जिस दिन इससे तेरे ऐसे पैसे ले जाता था ना उस दिन उसको बहुत कमाई होता था. कब की बात है, मुझे तो पता ही नहीं. बहुत छोटी थी. ऐसा भी है भैया. चलो आज मैं बोनी कराती हूँ, इनकी बिक्री ज्यादा होगी. यार तुम लोग अभी तक जोमैटो पे ऑर्डर कर सकते हो. एंड डोंट फॉरगेट टू रेट अस, क्योंकि जितना रेटिंग मिलेगा उतनी उसकी किलोमीटर्स बढ़ेंगे और उतनी जितने किलोमीटर्स बढ़ेंगे उतने में आपके घर के पास पहुंचने में इजी पड़ेगा. हमारा पिकनिक का सामान रेडी, नाउ वी आर लीविंग. केक इज हेयर और सामान इज हेयर, मोमो का हेयर. बट द गुड थिंग इज कि आज भैया का बर्थडे है, रोहित के बड़े भाई का, मतलब कल है. तो मैं उनसे आज मिलती तो आई एम गोना विश हिम टुडे. इतने का तो सामान में नहीं है जितना पैसा दे रही हो. 100 रुपए नहीं है मेरे पास. 100 रुपए चेंज नहीं है. लो भैया क्या है? नहीं मुझे नहीं चाहिए, रखो. दे रही हूं ना वापस. अरे नहीं चाहिए करने के लिए. अरे नहीं नहीं मजाक नहीं, 500 रुपए दे रही थी मैं आपको. चलो आज इसके आपके देखना है. चलो देखते हैं मेरे पास आएगा. चलो फिर बाय. नो नो हम जा रहे हैं. 500 रुपए दिया भैया, खुश रहो. सदा सुहागन रहो. दोनों के पति नहीं है. चलो बाय बाय. सो बाय. रिश्ता भेज देना 6 माह के लिए और मम्मी के लिए, जिसको जो भी इंटरेस्टेड है होना चाहिए. अमीर जी भैया 6 माह तो. मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ एंड मैं पहले पहुँच गई हूँ एंड आई एम सुपर नर्वस बिकॉज आई डोंट नो दे आई हियर आई कैन सी हिज कार. या Oh no. Oh yeah. Oh no. But yeah, I got flowers जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है for भैया because उनका birthday है. Wow. And then I got Nono because everybody wants to meet Nono and Nono is looking outside and I got a small क्या बोलते हैं बॉन्टे केक समथिंग उसका नाम है, वो केक लिया है. आई डोंट नो कैसा है, मैंने कभी वहाँ से मंगाया नहीं था. टेस्ट अच्छा हो बिकॉज आई एम सो नर्वस. आई गॉट चाउमीन, आई गॉट नूडल, सॉरी आई गॉट चाउमीन, आई गॉट मोमो एंड आई गॉट माई सेल्फ विच इज आई एम वेरी नर्वस. ओके दो हैंडसम आ रहे हैं. ओ माय गॉड Wait, he's so cute. Someone got me lilies. I completely forgot. I should have got it. Yeah, oh, because no, no, I can't keep them. मुझे पता है वो अपना लॉज है ना, वो कैट्स. Yeah, it's okay. But you know what? I got flowers too, but not lilies. Just because no, no, in the car, I didn't get the lilies. So what we can do is we can take our flowers back. I'll take my lily back and exchange कर लेंगे. But you should check the. Show me the flowers. Is it for me or is it for my brother? Obviously, it's for your brother. Oh, wow. You know, wow, so beautiful, baby. I made it. आधा घंटा खड़े होके भाई के साथ. यार दिखाओ मेरा वो दिखाओ. दिखाओ तो. Let people judge. बढ़िया कौन सा है? ए वाला कि ए वाला? Obviously रोहित. भाई मेरे आपसे तो अच्छा लग रहा है. हाँ भाई कौन सा अच्छा लग रहा है फ्लावर बताओ. ये अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है. ये वाला? ये वाला? ये वाला? कौन सा वाला? ये राइट वाला. ये अरे यार राइट वाला ये चाहिए ना. भैया ने मुंह पे नया. तुमने मेहनत नहीं करी इसमें. अरे मैंने आधा
घंटा लगाया है इसमें, एक एक फ्लावर आई चूज यू नो कि कौन से डालना है, तो सुंदर बनाया है। चलो कोई नहीं, अच्छी बात है, तुम्हारी चॉइस अच्छी है, तभी तो मैं हूं तुम्हारी लाइफ में। बट दैट्स अ स्वीट, तभी तो मैं तुम्हारी लाइफ में हूं। ऑब्वियसली यू आर माय चॉइस। ये फर्स्ट टाइम मिल रहा है आज नोनू और ये रहा है केल्विन, दोनों ही बिल्ली बिल्ली ऐसे हैं। मुश्किल है, मैं बनाऊं ब्यूटीफुल केक। Yay! Calvin is here with me. We are also celebrating Bia's birthday, which is tomorrow. Advance mein. Yeah. I am an expert. I can see you. Happy नहीं हूँ, वो खराब होना चाहिए, please. कुछ खराब नहीं होगा मेरी जान. अब तो खराब हो गया. जज कर रहे तुम्हें, कैल्विन भी जज कर रहा है, नोनू भी जज कर रहा है। अरे भैया ये क्या है? एडवांस हैप्पी बर्थडे बेटा, वहाँ जाओ ना, ये और सब हो जाए। एडवांस में हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर रॉकी भैया। अब आपकी एज कितनी हो गई भैया? टू यू। तुम्हारी कितनी हो गई बताओ? आई एम जस्ट 27। चलो जी, कौन सी उंगली होती है पता भी नहीं, इधर खाली तो करो उतनी उंगली। Will you be my girlfriend? My girlfriend? Of course. I want to make it official, basically. Of course, yes. Whoa! भाई गार्डन साफ तो नहीं कराएंगे वरना पता नहीं सोच समझ के बोल डाल। क्यों क्यों तुम ऐसा घटिया? Because I like you and I want to be take things ahead with you. It's simple. And I'm not a boy anymore now. I'm a man. I want to make it official. Keep you, make you mine. Give her a name to this relationship. Finally, I'm a girlfriend. Finally. Finally, you're taken. Finally. Hata de. Sab slide in, slide in. Sabki, I'm taken now. रिंग तो शो ऑफ करता अपनी। ब्यूटीफुल। यस, सो ब्यूटीफुल। सो गाइस, वी आर बैक एट होम। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था आज क्या होने वाला है, मैं बस सोच रही थी, मैं इसलिए व्लॉग कर रही थी। सॉरी। आई वाज व्लॉगिंग बिकॉज आई थॉट कि आई एम रियली हंग्री, कैन आई जस्ट आल्सो ईट? या प्लीज, आई आल्सो हैव अ बाइट। सो आई थॉट कि आज ना हम लोग क्या कहते हैं, जस्ट मीटिंग योर फैमिली and her dad only and I randomly start recording. मुझे idea नहीं था कि क्या होने वाला है, zero idea. But I'll tell you, तो sir ने bag से एक ring का रब्बा निकाला। सर ने क्या किया, पहले अपना बैग खोला, सबको एक एक गिफ्ट पकड़ाया, भैया को, भाभी को, सबको, आपके लिए, and then रोहित के लिए मैंने निकाला big box, ये क्या सा गिफ्ट है? I'm like, ooh, like what the fuck? What the fuck? I was like, no. मैंने एक और बैग निकाला पीछे से, उसमें फ्लावर्स थे बहुत सारे, और सबको काम पे लगा दिया, चलो डालो वो। एंड दे वर आल्सो शॉक्ड बिकॉज़ उनको तो पता ही नहीं था ना कि मैं तुमको प्रपोज करूंगा ऐसे, उधर ही क्या हो रहा है, डालो फ्लावर्स। किसी ने बताया मैंने, ओनली आई न्यू कि मैं करने वाला हूं, सबके लिए सरप्राइज था, मेरे लिए तो आई वांटेड टू बी सरप्राइज ना, कि सच में सरप्राइज हो, बता दो कुछ आईडिया रिवील हो तो फिर वो प्लान नहीं, मजा नहीं आता फिर। या तो इट वाज लाइक मोर लाइक दैट। So, yes, तो अब as you guys know, he asked me to be his girlfriend. एक सेकंड नहीं लगा हाँ बोलने के लिए। हाँ। अरे नर्वस करती थोड़ा मेरे को, मैं घबराहट में यार मेरी बेइज्जती रहे हो। एक बात तो माननी पड़ेगी, रिंग का जो साइज है, तारीफ तो करो। ऑब्वियसली मैं दिखा रही हूँ रिंग, रुक जाओ। तुमने इतना मेरे को हिंट दिए क्या? नहीं, साइज फिटिंग। मैंने इतनी फिटिंग दी कि मेरी वाली रिंग यहाँ पे आएगी, ये वो तो। सो ऑब्वियसली देखो, ऐसा नहीं था कि हम वैसे रहे तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह ही रहे थे, बट ऑफिशियल करना इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मैं काफी टाइम से सिंगल हूँ, मेरे को ऑलमोस्ट हो गया 5-6 साल।
अब बहुत सारे लोग भी बोलते हैं कि आपने उसका फेस नहीं दिखाया, आपने उसका फेस नहीं दिखाया. एवरीबॉडी यूज्ड टू से बिकॉज़ आई वाज नेवर श्योर अबाउट दोस गाइस. और उनकी तरह से शॉर्टी थी क्या उनकी? अब हाँ शॉर्टी थी, वो कहते थे हाँ एक के दस थी सेकेंड. बट या बट मैंने कभी किसी का मतलब इन जनरल मैंने नहीं दिखाया बिकॉज आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट इनफ दैट आई वांट टू बी विद देम और नॉट. मैंने भी चीज सीखी है लाइक फ्रॉम पास दे से पास इज अ प्लेस टू लर्न नॉट टू लिव. नहीं जीना चाहिए, उसमें रहना नहीं चाहिए, लर्न करना चाहिए. मैं आज तक मेरे भी काफी सारे रिलेशनशिप रह चुके हैं और अच्छे नहीं, काफी स्टेबल. आई एम अ वेरी रिलेशनशिप काइंड ऑफ अ गाय. आई नो आई डोंट लाइक टू जंप अराउंड. बीच में फेज आया था लाइक आई वाज इन लाइक अ 7 ईयर लॉन्ग रिलेशनशिप. उसके बाद जब मैं सिंगल हुआ तो था थोड़ा फेज आया था लाइक जंपिंग अराउंड लॉट. बट इवन विद द 7 ईयर मैंने उसका भी इसका आउट नहीं किया. उसने मेरे को समझाई थी बात कि रोहित दिस इज रॉन्ग. तुमने मुझे भी आस्क आउट नहीं किया. मैं कहा इसने मुझे ये बात ब्रेकअप का टाइम बताई 7 साल. She like technically we were never dating because he never asked out. उसकी बात सही थी. Because हालांकि हम 7 साल तो उसने मेरी आंखें खोल दी. एंड आई वाज लाइक इट्स अ नाइस थिंग टू से बिकॉज ये जरूरी है अपने एंड से कमिट करना बोलना. चाहे जरूरी नहीं रिंग दो बट वो कमिटमेंट बोल के डिस्कस करके आती है. हाँ तो दिस इज अ वे टू एक्सप्रेस रिंग देखकर जो भी. तो मेरे को अब की बार ये था कि नहीं इफ आई एम गिविंग माई सेल्फ एनी वन आई विल कमिट आई विल पुट माई वर्ड्स दैट आई वॉन्ट बी विद यू. आई वॉन्ट बी एक्सक्लूसिव विद यू. देर इज नो वे आई विल गो एनी वेयर अराउंड एंड सो दैट यू हैव दिस क्लैरिटी इन द हेड दैट नो वी आर टुगेदर. हालांकि मेरे सारे एक्शन वैसे ही रहते बट ये बोलना एक प्रॉमिस करना बहुत जरूरी था. तो ये वही था और आई थिंक ये करना चाहिए लोगों को. एक कहीं से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये गलती हम लोगों की भी है. हमने कल्चर थोड़ा चेंज कर दिया. पीपल जस्ट गो विद द फ्लो. और चल रहा ठीक है व्हाटएवर व्हाटएवर व्हाटएवर. उसके बाद 5-6 महीने कुछ नहीं चलता फिर ब्रेकअप हो गया. चल गया चलता रहा. और मैंने भी ये किया है. ऐसा कुछ नहीं है. मैं भी उसी दिशा में था. और आई थिंक दिस इज इट्स अ गुड वे टू इवन लाइक मे बी इन्फ्लुएंस पीपल कि ऐसा नहीं करना चाहिए. तो दैट्स व्हाई आई वाज लाइक आई वांट टू डू इट. एंड मेरे को था कि मैं अपने घर वालों के साथ कर दो अच्छा लगेगा थोड़ा सा स्पेशल. दैट वाज वेरी स्पेशल. थोड़ा सा हां दैट वाज वेरी एंड दे मीन अ लॉट टू मी माय ब्रदर माय भाभी माय नीस एंड नेफ्यू एंड माय डॉग एंड योर नोनू. दैट वाज लाइक नाइस. मुझे इतनी उस टाइम पे शर्म आ रही थी ना क्या बताऊं. थोड़ा सा घबराहट मुझे भी हुई. हालांकि मैं बता तुम मुझे हां ही बोलोगे इसकी मैं पूरा पैकेज ये काय को मैंने मना कर दिया. बट या इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जैसे रोहित ने कहा है कि पूछना बहुत जरूरी है कि अगर आप चलो हो रहा है तो चल रहा है तो चल रहा है ऐसे बोल के चलाना नहीं चाहिए. बिकॉज सामने वाले को क्लैरिटी नहीं मिली है कि भाई सच में तुम कमिटेड हो भी कि नहीं हो और यू जस्ट स्टेइंग टुगेदर. जरूरी नहीं कि एज ही सेड जरूरी नहीं कि रिंग दो. जरूरी है कि आप मुंह से कमिट तो करो. हाँ और पता है होता क्या है जैसे मान लो मैं और तुम साथ में है हमने कमिट भी नहीं किया. हालांकि हम बहुत कंफर्टेबल हैं. पीपल अराउंड अस आर कंफर्टेबल. देन देयर पीपल अदर पीपल हु ऑलवेज क्वेश्चन कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा. उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए. बट दे एज अ सोसाइटी दे आल्सो थिंक यू नो व्हाट इज इट हैपनिंग क्या चल रहा है यू नेवर डेटिंग एंड ऑल दिस एंड दैट. तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक इट क्लियर. ट्रू. आपको भी क्लैरिटी मिलेगी और को भी क्लैरिटी मिलेगी और रिस्पेक्ट भी मिलेगी और मतलब ओवरऑल इट्स अ विन विन सिचुएशन. सो व्हाई नॉट टू आस्क आउट. और नहीं कर रहे तो मतलब कि You are looking for other options. Yeah, true. और other options से मुझे याद आया एक बड़ी important बात कि life में ना हमेशा आपको अच्छा मिलेगा किसी और से. ये चलता रहेगा चाहे वो गाड़ी हो चाहे वो घर हो चाहे वो पैसा हो. लिमिट नहीं है. और हम ह्यूमन नेचर हमारा होता है कि हमें को अच्छा मिले बेस्ट टू बेस्ट मिले. बेस्ट टू बेस्ट मिले. और यही हम लोग कोशिश करते हैं रिलेशनशिप में. मगर अगर आप किसी के साथ हैं और आपको इंसान अच्छा लगता है आप उसी में सेटिस्फाई हो जाओ ओके रहो. कमियां हर एक में होती है. True. दो कमी तुम्हारे अंदर होंगी चार कमी मेरे अंदर होंगी. Yeah. कमियां के अंदर इट्स फाइन. अब मैं ये सोचू कि नहीं मेरे को रूही से अच्छी पे मिल जाए और उससे अच्छी मिल जाए वो तो मिल भी सकते ऐसा नहीं है. बट तुम्हारी से कमी नहीं मिलने वाली और वाइस वर्सा. तो यू शुड बी वेरी हैप्पी कि हाँ दिस इज द पर्सन आई वॉन्ट टू बी विद. वी विल ऑलवेज हैव फ्लॉज नोबडी इज परफेक्ट. मेरे अंदर भी कमियां निकलेंगी कुछ ना कुछ तुम्हारे अंदर कुछ भी निकलेगी. बट हमको उन कमियों पर हम डील कैसे करें उस टाइम पे हाउ वी आर डीलिंग विद इट दैट्स वॉट मैटर्स एंड हाउ वी कम आउट ऑफ इट.
अगर हमने डील उससे अच्छे से कर लिया एंड वी कम आउट ऑफ इट स्ट्रॉन्ग इट्स गुड या और नहीं डील कर पाए बट इवन देन इट्स फाइन बट वी शुड ऑलवेज ट्राई टू कीप मेकिंग इट वर्क. एक रिलेशनशिप को चलाना बहुत जरूरी है, पूरा एफर्ट है भैया, जॉब है, ऐसा नहीं कि बस रह गए. अभी तुम्हारे में भी बहुत दिक्कतें आने वाली हैं, मैं बता रहा हूँ, ये देख चश्मा लगा रहा हूँ तेरे भी से फ्यूचर दिखा रहा हूँ, आएंगी और होगा ओके बट इट्स फाइन. बट हमारे को उस टाइम पे हमने डील कैसे किया वो ज्यादा मैटर करता है. किस बात की तमीज से बात की, चिल्ला के बात की, अकड़ के बात की, ईगो लाए नहीं लाए, वो सब बहुत मैटर करेगा. और लॉन्ग रन में वही चीज आ जाती है. लुक सुख तो ऐसी है, तेरा तो लुक भी अच्छा है, उतना मैटर नहीं करता. व्हाट मैटर्स इज योर हाउ यू आर फ्रॉम इनसाइड एंड रूही इज अ रियली नाइस पर्सन फ्रॉम इनसाइड. ये चीज मैंने परख लिया है. यू हैव अ बिग हार्ट, मेरे को तुम्हारे दिल से प्यार हुआ. शक्ल तो सदा है ही, दिल से सदा प्यार हुआ. जेनविनली बेबी सच में तुम बहुत अच्छे इंसान हो. मतलब मेरे को आई एम वेरी लकी के, और मैं सोचता हूँ कि तुम्हारे जो पास में लोग चूतिए थे क्या, तुम्हें छोड़ कैसे दिए उन्होंने, मतलब क्यों नहीं हुआ, मतलब व्हाट इडियट्स. आई डोंट वांट टू से एनीवन इन स्पेसिफिक बट जितने लोग भी थे, आई डोंट नो व्हाट वेंट रॉन्ग. मैं भी हाँ एक्चुअली मेरा भी सभी है, मेरे भी रिलेशनशिप खत्म हुए बट जो भी था. बट यू आर अ कीपर मैन, यू आर फुल कीपर, प्रॉपर यू आर हाउस वाइफ मटीरियल. तो मैं तो बड़ा खुश हूँ भाई, मेरे लिए तो ये रिंग विंग तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट है, रिंग की इन्वेस्टमेंट इसमें और ये क्या इन्वेस्टमेंट गोल्ड में. बट आई थिंक यू नो वॉट, जो तुमने बात बोली ना कि आई हैव अ प्योर हार्ट एंड यू कैन सी, आई कैन सी, हाँ बिकॉज यू हैव अ प्योर हार्ट. ये मैंने बोला है. नहीं 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 बेबी, ये हमेशा याद रखना. आज मेरे व्यूअर्स है जिनका दिल बहुत साफ होगा ना, वो उनको हमारी साफ दिल दिखेंगे, पर जिनका दिल साफ नहीं होगा ना उनको कभी नहीं दिखेगा. दिस इज व्हाट हैपेंड. अगर तुम्हारा किसी के साथ नहीं चला, अगर कोई मैंने आई यूज टू थिंक आई विल टॉक अबाउट लेटर कभी, बट मैंने ये सोची थी कि यार इसको मेरी अच्छाई क्यों नहीं दिख रही, मैं इतना करती हूँ, इतना अच्छा करती हूँ, बट व्हाई कांट ही सी ऑल ऑफ दैट. बट देन आई रियलाइज दैट दैट पर्सन डजंट हैव अ गुड हार्ट. आई थिंक दिस इज व्हाट आल्सो मेक्स द वर्ल्ड इंटरेस्टिंग, बिकॉज वी ऑल आर लाइक, अगर दुनिया में 7 बिलियन लोग हैं तो वी हैव 7 बिलियन रियलिटीज. हम सबका नजरिया बहुत अलग है, अलग है, किसी का कुछ नजरिया, किसी को नजरिया है. लकीली हमारे नजरें मिलते हैं काफी, मिलते हैं, हाँ, तो अच्छी काफी बात है. So, yeah. उनके नजरिए में हम नहीं मैच खाते, उनका नजरिया भी बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है, बट उनको अलग दिखाई देता है. उनको बहुत से लोगों लगता है कि 10 साल बाद ब्रेकअप हो जाएगा. अब 10 साल बाद अगर मान लो ब्रेकअप हो भी गया तो क्या अभी जीना छोड़ दें? अभी तो हमको एफर्ट मारना है ना. Yes. बाद में क्या होगा, nobody knows, किसको क्या पता. मतलब yeah. ये तो लाइफ का वो है, मतलब एक वर्ल्ड पार्ट है. कल को शायद मैं ही ना रहूं, कुछ हो जाओ. अरे एग्जांपल दे रहा हूँ भैया, समझ गए. लिव इन द मोमेंट, एंजॉय करो. ओके, सो आई जस्ट वांटेड टू से कि रोहित ही हैज अ वेरी बिग हार्ट एंड and he's very very responsible guy towards his family aur bahut caring hai sab kuch. obviously dekh kar hi I chose you, you know that's the reason. so I'm this is what I was saying ki main I was never comfortable showing the guy apne kisi bhi channel pe because mujhe nahi chahiye unke sath, mujhe pata hai unmeko surety nahi hai and you give me that surety. Yeah, and yeah, I get that vibe. I'm also very confident about you. yeah same. aur aage chal ke bhi baby raha na itna aasan nahi hogi, mushkil hogi. Yeah, बट वो हम उस मुश्किल में साथ में रहेंगे. yes. अब वो चाहे वो मुश्किल वो कहीं से भी आए, घर वालों से आए, सोसाइटी से आए, कहीं से भी आए, बट हमको एक साथ रहना है, उसको फेस करना है, लाइक अ टीम. पार्टनर्स इन क्राइम, यार, टू पार्टनर्स इन क्राइम. yes. that's what you always say. yes. this is what it means. so that's it. and this is my beautiful ring. अभी जितने कैरेट की भी है वो सही है, बट शादी अगर शादी होती है अब जैसे भी होगा तो इसका साइज हम गए थे अभी कुछ गोल्ड खरीदने के लिए बिकॉज दिवाली इज कमिंग. तो वी वेंट टू चेक समथिंग एंड देन मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था, बट इसका ऑब्वियसली बजट बहुत ज्यादा था. एंड आई सेड कि नहीं 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 ये तो बहुत ज्यादा है. तो वी हमने माइंड बनाया कि इसके बारे में सोच, 4 दिन पहले बात है. हाँ हमने माइंड बनाया कि शायद मैं रिंग आ चुकी थी. सच में? हाँ हाँ पहली रिंग बात रही थी. वो एक्टिंग कर रहा ऋषभ, कितना गंदा है वो. ऋषभ प्ले अलोंग. ऋषभ मतलब जो जो जूलर मेरा फ्रेंड है पहुंचा तब कुछ हो चुका था. मैं देखा ऐसा है रुई शॉप पर आ रही है, गलती से भी थे स्टाफ वाले ने रिंग के बारे में कुछ बोल दिया. मैम वो रिंग कुछ भी रिंग की बात होनी ही नहीं चाहिए, नहीं तो भैया फट लेगी. मैं रिंग का पैसा दे तो
और कोई उसने एकदम ऐसे एक्ट किया, रूही मेरे को वहां पे साइन दे रही है रिंग 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 में यार, और ऋषभ मेरे को देख रहा है ब्रो तो नहीं देन मैं घबरा रहा हूँ रिंग रिंग कर मैं एक्टिंग कर रिंग क्या होता है रिंग क्या होता है रूही की हैबिट है ना रूही रिंग का साइन देने की पुट अ रिंग ऑन इट पुट अ रिंग ऑन इट हम एक्टिंग कर रहे हैं देन करते करते ना रूही को ही बहुत पसंद आया बैंड बहुत ज्यादा शी लाइक आई वांट टू बाय दिस फॉर माय सेल्फ एंड यू नो यू लाइक मी माय मॉम कैन शेयर फॉर सम रीजन उसने मुझे ये लिया नहीं रूही पैसे थोड़े लेके आई थी बट वी बोले ठीक बाद में कर लेंगे फिर जब मैं रिंग कलेक्ट करने गया ना अगले दिन आई डोंट नो मुझे क्या लगा मैं कहा यार ऋषभ एक काम कर जो रूही ने जो बैंड पसंद किया तो वही पैक कर दे कह रहा ब्रो आर यू श्योर मैं कहा तू पैक करना यार देखी जाएगी कह रहा भाई वो इतने इतने की है मैं कहा तू करना भाई उसको अच्छा लगेगा इट्स लाइक वट एवर शी रीड बिकॉज आई सॉ योर फेस यू आर लाइक सो क्रेजी अबाउट दिस थिंग मैं कहा चल रिंग के साथ मैं भी ले आ रहा हूँ तो मैं उसमें पैक कराई फिर तुमको मैं रिंग के साथ तुमको मैंने दे दिया अब इसके आगे तूने कुछ मांगा दे दूंगा बट प्यार से सबर का फल मीठा होता है सबर करना चाहिए मैं तुमको इतना बोलता था भैया मैडम रोज ये रिंग वो रिंग ये रील भैया रील पे रील रील पे रील रील पे रील ये आइडिया वो मेरे को तो बुरा फील करता कि क्या रील आज ये रील उसने उसको हाउस आउट किया उसने उसको हाउस आउट किया प्रेशर मार गया मैं कहा बहन क्या करना क्या करना आई वाज एक्चुअली वेटिंग फॉर द आई वाज एक्चुअली मैनिफेस्टिंग ऑल ऑफ दिस हैपेंड हां इट हैपेंड बट अब मैं वही बोल रहा हूँ अब आ गई सब इसको एंजॉय करो जो भी करना करो शाइनी हमारा काम हो गया चले भाई इसके बाद तो कुछ और भी तो होना चाहिए ना भाई हम जा रहे हैं धूम भीषण का थैंक यू सो मच एंड बम बम नो बम बम जस्ट नो मनी नो हनी चलो हनी जस्ट वांट टू टेल यू दैट वी आर ऑफिशियली कमिटेड एंड वी आर ऑफिशियल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये जो लड़की है ना जो मेरी तो देखो ऐसा Bye bye to all of you. Yes. All the girls. To all the girls for him. Yes. To all the girls. तो एक काम करूँ मैं मेरे को अटेंशन अच्छा आता है मेरे को अटेंशन मिलती है तो लड़की से अटेंशन तो मैं लो नहीं पाऊंगा थोड़ा गेलो का टेंशन ले लूँ चल लेगा शॉर्ट्स पहन के अटेंशन चाहिए ना नहीं कच्चा पहनूंगा ना पहनता हूँ मैं छोटा छोटा कच्चा दिल से मैं अच्छा दिमाग से हूँ कच्चा मिल लो मेरे कैसा है मेरा कैसा मेरा बच्चा कैसा शायरी करता हूँ मैं बहुत टिच्चा I love you my बच्चा that's cute that's, that's cute अच्छा लगा ये on the spot देखा हम लोग committed हैं yes और last जाने से पहले आप लोग को एक चीज़ बोल दूँ अगर आपको अपने बाबू को काबू में करना है तो आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा नहीं तो वरना आपका जो बाबू है काबू में नहीं आएगा बाय चलो भाई काबू Thank you for watching. Love you. Bye. Chal, thank you for watching. Chal.